बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रूहानी परवाज़। रूहानी परवाज़ में एक नए वजीफे के साथ, एक नए खूबसूरत अमल के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सामीन, आज की वीडियो में दांतों दाढ़ों के दर्द से पेशगी बचने का खूबसूरत अमल कुरानी वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जैसे हम किसी भी मुसीबत से बचने के लिए या किसी बीमारी से बचने के लिए पहले ही उसके लिए इंतज़ाम करते हैं, इसी तरीके से दांत दाढ़ के दर्द से भी बचने के लिए हमें पहले इंतज़ाम करना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में कभी दांतों में दर्द ना हो, दाढ़ों में दर्द ना हो, दाढ़ निकलवानी ना पड़े, दांत निकलवाने ना पड़े, या ये है कि उनको कीड़ा खा जाए और वो टूट के गिर जाएं, इसकी वजह से फिर हम नए दांत डलवाएं या फिर नई दाढ़ डलवाएं। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए हमें एक अमल करना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई नौबत, इस तरह की कोई सूरत हाल पेश ना आए। वो अमल क्या है? ईशा की नमाज के वितरों में, तीन रकात वितरों में तीन सूरतें बता देता हूँ, वो पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर कभी दांत में दाढ़ में दर्द नहीं होगा, तमाम दांत महफूज रहेंगे, तमाम दाढ़ें महफूज रहेंगी। दांतों की बीमारियों से बच जाओगे और दाढ़ों की बीमारियों से भी बच जाओगे। अमल क्या है? सूरतुन नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, यह आपने पहली रकात में पढ़नी है। दूसरी रकात में सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबिं वतब, और तीसरी रकात में सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। ये वितरों का अमल है, ये वितरों का वजीफ़ा है कि जब आप ईशा की नमाज अदा करेंगे तो तीन रकात वितर जब अदा करने लगें तो उनमें ये तीन सूरतें पढ़ेंगे। पहली रकात में सूरतुन नस्र, दूसरी रकात में सूरतुल लहब और तीसरी रकात में सूरह इखलास। ज़िंदगी भर तमाम बीमारियों से, दाढ़ की बीमारियों से, दांतों की बीमारियों से महफूज हो जाएंगे, ना कीड़ा लगेगा, ना दर्द होगा और ना वक़्त से पहले टूट कर गिरेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब करें। हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दें। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।